बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? मैं हूँ बानो शहजादी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बानो लाइव व्लॉग। बानो लाइव व्लॉग में आज जुड़े रहेगा कि आज हमारी बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और सुनाओ प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खरिया से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और माशाल्लाह अभी टाइम हो रहा है 11 का, तो मैंने अभी चाय बनाई है। तो कल मैंने बोतल लगवाई थी डॉक्टर के लिए, तो तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर बोतल लगा के गया था। ना मैंने वीडियो का शुरुआत किया ना ही एंड किया, तो वहीं ख़त्म कर दी थी वीडियो। तो कल कुछ तबीयत नासाज थी, इसलिए किसी से बात नहीं की। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। जैसे ही मुझे बोतल लगी तो हम बैठे थे इस सैन में, पक्के सैन में, तो कच्चे सैन में फैजू का साइकिल खड़ा हुआ था वहाँ पर। तो पता नहीं कैसे कोई आया तो साइकिल उठा कर ले गया। तो फैजू बहुत परेशान है आज। तो कल भी वो जैसे ही काम पे गया था तो पैदल गया था, तकरीबन इतना रास्ता है जिधर ये काम करता है, तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर ये पैदल चल के गया था काम पर। तो बहुत ही मतलब कि बहुत ही परेशान था, बहुत ही टेंशन में था कि पहले एक तो बीमारी है हमें नहीं छोड़ती, और दूसरा जो है नुकसान हो रहे हैं घर के। तो फैजू का जो साइकिल है अंधा काना वो भी किसी ने उठा लिया। आज बैठा है मुंह लटका के, तो आज काम पे नहीं गया, ये घर बैठा है। तो सिर्फ साइकिल की वजह से, क्योंकि आ जा नहीं सकता साइकिल की वजह से, साइकिल होती है तो ये जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। तो मतलब कि बहुत ही टेंशन में बैठा हुआ है। तो मैंने चाय बना कर दी है, अभी अब बैठा आया है। साइकिल मेरा सही आ भला थी। मैं कुछ गिदी बता चलाई बता, हमें देख वे ना, हमें आंदा, हमें चित के सगले आवे ना, अपना कारो कम कार कार के। ये मेरे की जैसे ये मोटरसाइकिल आ, साइकिल ना हा। अच्छा ये कमाते को ने सही है ना, इन्हें सही चाह गया। हाँ, ये बात तो सही है, ये निशायों का काम है, और कौन कर सकता है? और तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी तो मुश्किलात हो रही है, तो अल्लाह पाक हमारी मुश्किल आसान करे, आमीन। आप भी दुआ किया करें। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। ना ही धूप अच्छी लगती है और ना ही छांव अच्छी लगती है। तो कल मुझे जैसे ही बोतल लगी तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे फैजू को कि ये लाजमी करवाने हैं। तो हम अभी जो है टेस्ट करवा कर वापस आए हैं घर। तो ये रिपोर्ट भी आ गई है हमारी। तो टाइफाइड बुखार भी नहीं है और मलेरिया वगैरह भी नहीं है, थोड़ा सा गुर्दों में मसला है। तो पता नहीं, वो कह रहा था कि अच्छे से डॉक्टर से रब्ता करो और अपना इलाज शुरू करवाओ, वरना आगे के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही मसला पैदा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी सांस भी फूल रही है, कि मैं इतना 2 मिनट अगर चलती फिरती हूँ तो जो मेरे जिस्म की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। मैं आवाज़ भी मेरी बाहर अंदर से बाहर नहीं आती। तो ऐसे ही हो रहा है। आप दुआ किया करें हमारे लिए, जैसे हम आपके लिए दुआ करते हैं बहुत सारी, हमारे लिए भी दुआ किया करें कि हमें अल्लाह पाक सेहत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, संभालने वाला घर को कोई नहीं है। तो कल ये रिपोर्ट आई थी, दिखाऊंगा आपको। अभी जो है टेंशन ना ही मुझे है ना और किसी को है, लेकिन फैजू को बहुत टेंशन है। एक तो गुर्बत, एक आगे से बीमारियां, और ये जो नुकसान हो रहे हैं घर के, तो पता नहीं क्या होता है। तो हमारी चोरी हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? अभी बाजू भी थक गया है मेरा मोबाइल उठाने में। तो वो कह रही थी आपसे कि अभी जो फैजू ने फ़ोन किया है मालिक मकान को, उसको कहा है कि ऐसे चोरियां हो रही हैं, पहले हमारा जो गैस का पाइप था वो भी निशाई निकाल कर ले गए हैं, गटर का पाइप लगा हुआ था वो भी तोड़ के ले गए हैं, अब मेरा जो है साइकिल मेरे घर से उठाकर निशाई ले गए हैं, तो कुछ करो। तो उसने कहा टेंशन नहीं लो, अल्लाह खैर करे, तो मैं अभी थाने पर फ़ोन करता हूँ और दरख्वास्त दे देता हूँ। जब भी निशाई बैठे हों तो बस एक कॉल करना थाने के ऊपर, तो पुलिस आके ले जाएगी उनको, तो उनको डांटेगी। ये देख रहे हो, ये मैंने
कल जो है रिपोर्ट करवाई। तो साइकिल दा पूछन गए फैजू होने वाले थक थक के। साइकिल दे पिछो आज छुट्टी की थी सी। साइकिल ही कबाड़ा कबाड़ तो साइकिल ही नहीं पिया मिलता। नहीं मिलता गया। और मिलता तो मिले भी सही। नमा कितना दा दा पे? 21,500 दा। 21,000 दा? 21,500 दा। इतने महंगे थे? हाँ अल्लाह की मंजूरी। तेल महंगा रिटर्न है तो सब सारे महंगे का छोड़ी है। मैंने तो बुढ़ा पे मैं थक के रह गया। अच्छा लहंगा लेके अल्लाह के नाम सार। तो फैजू सब्जी लाया है। ये क्या कहते हैं इसको? मुझे नाम नहीं आता इसका। ये क्या है? मूली के डंडे। कैसे दे डंडे? मूली के डंडे। मूली के डंडे। मूली के डंडे नहीं कहते इसको, कुछ और कहते हैं। मुझे नहीं आता विवज, मैं ऐसे झूठ बोलूं, इसका नाम मुझे नहीं आता ये क्या है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में इसको क्या कहते हैं, इस सब्ज़ी को। मुझे नाम नहीं आता इसका। फैजू को पता है, मूली का डंडा है। मूली का डंडा खाने वाला था तुझे मैं साइकिल में चाप गया मेरा। तू रो बेटा उठ साइकिल को, अल्लाह ने ऐसी अल्लाह ते उम्मीद रखी दी है। मैंने सब्ज़ी को जो है उबालने के लिए रख दिया। अब जो मैं ये काट रही हूँ आलू प्याज वगैरह टमाटर, इसको बना रही हूँ। तो माशाल्लाह बच्चे भी आ चुके हैं घर, तो खाना भी बन गया है, सालन भी तैयार हो गया है, तो रोटी बना रही हूँ अभी। भाजी रोटी ना पका रही, मेरे हाथ को उठा के डाला दी। क्यों? बस थोड़ी परेशानी है। परेशानी तो है ना, रोटी छोड़ दूं खावन, परेशानी तो है। क्यों कहनी परेशानी? सारी फंदा प्यार कमाल हम फंदा दे रहे हैं। अच्छा अल्लाह मालिक है, अल्लाह बारिश है, अल्लाह को नाम सारे कर, अल्लाह को अल्लाह दे यकीन रहेगा, अल्लाह पाक दे आपको दोबारा मिलेंगे। और जहाँ भी मेरे सब्सक्राइबर हों अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।